और मुंबई से सिद्धार्थ हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, वाकई जहां तक बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड के लिए काला दिन से कहेंगे, क्योंकि पहली महिला सुपरस्टार थी श्रीदेवी। जी बिल्कुल, और ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रीदेवी जिस कदम मतलब जिस तरह से उनकी जो सफलता थी वो बड़े बड़ों ने नहीं देखी होगी। मैं कहूँगा कि बहुत बड़े जो मेल स्टार्स हैं उन्होंने भी नहीं देखी। और एक दौर था जब श्रीदेवी की बात होती थी तो ये हो जाता था कि हीरो कोई भी हो, अगर श्रीदेवी फिल्म में है तो जो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सब बेहद खुश हो जाते थे कि सफलता उनके पास आ चुकी है। चाहे वो चांदनी हो, चाहे चालबाज हो, चाहे हाल की जो उनकी लास्ट की फिल्म थी मॉम हो, इंग्लिश विंग्लिश हो, आप नाम लेते जाएं फिल्मों का, और उनकी जो अदाकारी है हर फिल्म में वो बेहद गजब की थी। और वो वाकई में जो है, मैं आपको बताऊं कि एक फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा कहते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग, उसका ताल्लुक इस बात से होता है कि आप भाव कितनी जल्दी कैमरे के पहले और कैमरे के सामने कितनी जल्दी बदल सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें महारत अगर किसी को हासिल थी तो वो श्रीदेवी को थी। बिल्कुल सिद्धार्थ, साथ ही अगर आपसे जानना चाहेंगे क्या परिवार वालों से, या कि सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए हैं, सिद्धार्थ श्रीदेवी मुझे लगता है कि हर कोई इवन उस एरा में जो बच्चा भी होता होगा जो भी वो अपने आप को श्रीदेवी के तौर पर ही देखना पसंद करता है। कई लोग जो हैं, कई बच्चे जो हैं अपने आप को श्रीदेवी ही समझ समझ के ही बड़े हुए हैं, उनके पिक्चरें देख देख के ही बड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी एक तरह से कहें कि बहुत बड़ा सदमा आज के दिन इस खबर को सुनने के बाद। जी बिल्कुल, और वो अपने आप में एक कह लें एक स्तंभ थी। और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि चांदनी जब फिल्म आई थी उस वक्त श्रीदेवी जो थी वो वाहिद एक्ट्रेस थी जिनके नाम से बिंदियां मशहूर हो गई थी कि चांदनी बिंदी, चांदनी लहंगे, चांदनी साड़ियां, और मिस्टर इंडिया में भी जो उन्होंने साड़ियाँ पहनी हैं, जो उन्होंने वेस्टर्न आउटफिट्स पहने हैं उसको बाकायदा लोग कॉपी करते थे, और जो दुकानदार थे वो श्रीदेवी की तस्वीर लगा करके वो साड़ियाँ बेचते थे, वो भले ही वो साड़ी ना हो, लेकिन जो फैंस होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो सितारे जो सितारा होता है उसकी नकल करना चाहते हैं, उस जैसा बनना चाहते हैं, उस जैसा दिखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें सबसे उस फेहरिस्त में सबसे बड़ा नाम श्रीदेवी का था। बिल्कुल, साथ ही सिद्धार्थ अगर एक्टिंग की बात करें तो इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरह से श्रीदेवी ने सदमा में, चांदनी के बाद उन्होंने सदमा में जिस तरह से एक्टिंग की और क्रिटिकली उन्हें अक्लेम किया गया, वो एक बेहद वर्सटाइल एक्टर थी। जी बिल्कुल, एक चीज़ इसमें और मैं इजाफा करना चाहूँगा कि हम जैसे सदमा की बात करते हैं, हम श्रीदेवी के की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मगर उसमें कमल हसन ने भी बेहद अच्छा काम किया था, और ये काबिले तारीफ थी। कमल हसन सुपरस्टार थे मगर जब श्रीदेवी ने उनके सामने उनको बाकायदा टक्कर दी, और कमल हसन से ज़्यादा उस फिल्म में श्रीदेवी की तारीफ हुई थी, वो भी एक देखने वाली बात है कि एक उभरता हुआ सितारा और एक बहुत बड़ा सितारा जब सामने होते हैं तो ज़्यादातर नज़र जो है वो बड़े सितारे की तरफ होती है। उसी तरह उस वक्त नज़र कमल हसन की फिल्म की तरफ थी, मगर जब फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म की सफलता के बाद वो फिल्म कमल हसन की नहीं, वो फिल्म श्रीदेवी की बन गई। आखिरी बार जब उनसे मुलाकात हुई थी शी वाज फुल ऑफ लाइफ, और अचानक इस तरह खाते खोना, मतलब रात को हम लोग को फोन आया, मैं और शबाना यहाँ पेट्रोल में है जिंदल हेल्थ में जी। और यहाँ खबर मिली रात को 2:30 बजे, तो हमारी तो फोन में नहीं आ रहा, रिएक्ट कैसे करेंगे, कैसे क्या। तो मेरा तो दिल जो है बोनी के लिए और इन दोनों बच्चियों के लिए जा रहा है, क्या इनका हाल है, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये लोग तो हमारे लिए फैमिली की तरह रहे, इससे हमारा बोनी है, दिल है, इनसे रिश्ता दोस्ताना नहीं है, देखिए समझिए परिवार जैसा है जी। तो समझ में नहीं आता कैसे कहें, क्या कहें, क्या तक बिल्कुल समझ सकते हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी बेटी की फिल्म के लिए तैयारियां जिस तरीके से वो एक्साइटेड थी, जानवी गई नहीं दुबई क्योंकि उनको फिल्म में यहां पर काम करना था, इतनी सारी चीज़ें। हालांकि ट्वीट जो किया गया था अमिताभ बच्चन की तरफ से रात को कि अजीब सी घबराहट हो रही है, वो शायद इसी तरफ संकेत था। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, बात पूरी करें आप। मैं क्या कहूँ, मतलब कुछ मेरे पास शब्द भी है कुछ, मैं जो अभी तक हैरान सा हूँ कि कैसे हो, कैसे क्या क्या है ये क्या चीज क्या है, कैसे आपकी कैसे चली आती है,
समझ में नहीं आता, मतलब श्रीदेवी के लिए कौन ऐसे सोच सकता था कि अचानक किस तरह होगा। तब हुई थी और जैसा कि आपने कहा कि वो कोई बॉलीवुड वाला रिश्ता नहीं था, पारिवारिक रिश्ता था, कुछ और श्रीदेवी के बारे में आप बताना चाहेंगे? नहीं, इस वक्त क्या बताऊं मैं आपको, यही है कि मेरे ख्याल से महीना पहले घर पर उनसे मुलाकात हुई थी और हम लोग जब भी मिलते थे सिर्फ हंसते ही रहते थे और जैसे आप बड़ी रिजर्व थी और शर्मिली सी थी, पब्लिक में ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन जिन लोगों से उनके तकल्लुक है उनके सामने बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर और बहुत दिलचस्प मजाक थी और ट्रस्ट तो खैर जैसी थी कहने की जरूरी थी। और आपको कब जानकारी मिली इस दुखद खबर के बारे में? अभी रात को कोई 2:30 बजे फोन आया हमें। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।